गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर धीरेज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। आज अपन करेंगे भारतीय संविधान पर चर्चा, और आज जो अपन ने विषय चुना है वो है राज्यपाल। इससे पहले के वीडियो में अपने राष्ट्रपति के बारे में बात की थी। मैंने ये आपको बताया था कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, और संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिकाएं पाई जाती हैं, एक नाममात्र और एक वास्तविक। ये जो संसदीय शासन व्यवस्था है, ये हमने न केवल केंद्रीय स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर भी अपनाई है, और यहाँ पर भी राज्य स्तर पर भी दो प्रकार की कार्यपालिकाएं पाई जाती है, एक नाममात्र और एक वास्तविक। जिस प्रकार से केंद्रीय स्तर पर नाममात्र कार्यपालिका राष्ट्रपति है और वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद सहित प्रधानमंत्री है, ठीक उसी प्रकार से राज्य के संदर्भ में नाममात्र कार्यपालिका राज्यपाल है और वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री समेत मंत्रिपरिषद। यहाँ पर अपने दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ये दोनों ही कार्यपालिकाएं नाममात्र की है, लेकिन जहाँ तक बात राज्यपाल के संबंध में है, राज्यपाल कई मामलों में विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग करता है। वह शक्तियाँ केंद्र में राष्ट्रपति के पास नहीं है। अगर हम एक प्रकार से तुलना करें तो यह कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने को बाध्य है, लेकिन अगर बात राज्यपाल की जाए तो राज्यपाल बहुत से ऐसे मामले आते हैं जहां पर बिना मंत्रिपरिषद की सलाह पर भी कार्य करता है। इसका मतलब कि शक्तियों की तुलना में राज्यपाल राष्ट्रपति से कहीं ज़्यादा कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी अपन जब राज्यपाल की चर्चा करेंगे तो इस सारी बातों पर विचार भी करेंगे। आपसे निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें ताकि उसका जवाब दिया जा सके। मेरे पास कई वीडियोस के मामले में विभिन्न परीक्षार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछे भी जाते हैं, फोन से भी सवाल किए जाते हैं, और उनको मैं जवाब भी देता हूं, पूर्णतः संतुष्ट भी करता हूं। इसलिए आपकी कोई क्वेरी है तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं राज्य की मुख्य कार्यपालिका यानी कि राज्यपाल। हमारे संविधान का अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। इसका मतलब जो राज्य हमारे यहाँ पर है, हम उनमें प्रत्येक में एक एक राज्य की व्यवस्था करते हैं, हमारा संविधान ये कहता है। इसका मतलब ये भी निकलता है कि यदि राज्य है तो राज्यपाल होगा, बिना राज्यपाल के राज्य चलाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि वो उसकी मुख्य कार्यपालिका है। इसलिए अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। जहाँ तक बात उसकी योग्यता की है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यताओं का निर्धारण करता है। राज्यपाल की जो योग्यता है वो संविधान के अनुच्छेद 157 में दी गई है। कौन कौन सी? पहली, वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, और वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। ये तीन योग्यताएं जो है वो उससे अपेक्षा की गई है कि जिस भी व्यक्ति को राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जाए उनमें ये तीन योग्यताएं आवश्यक रूप से होनी चाहिए, यानी कि वो पहले भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, और तीसरी बात वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ राष्ट्रपति के संदर्भ में कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और जो मंत्री होते हैं वो लाभ के पद नहीं माने गए हैं। इसका मतलब यदि इन पदों पर कोई व्यक्ति है तो उसको राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी भी प्रकार से राजकोष से वेतन प्राप्त कर रहा है या कोई सुविधा प्राप्त कर रहा है तो वो लाभ का पद माना जाएगा, और राज्यपाल नियुक्त होने से पूर्व उसको ये पद त्यागने पड़ेंगे। नियुक्ति,
अनुच्छेद 155 नियुक्ति की प्रक्रिया बतलाता है कि किस प्रकार से राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 155 ये कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, यानी कि हमारा जो राज्यपाल है जिसको अंग्रेजी में गवर्नर कहते हैं, उस गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दूँ कि अमेरिका में भी गवर्नर यानी कि राज्यपाल होता है, वहाँ पर 50 राज्य हैं और 50 राज्यपाल हैं, लेकिन ये जो गवर्नर है ये जनता के द्वारा चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। हमने ये प्रक्रिया नहीं अपनाई, हमने राज्यपाल की नियुक्ति की व्यवस्था की है और नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसमें कुछ परंपराएं शुरू में डालने की चेष्टा की गई, जिन परंपराओं में कि किसी व्यक्ति को अपने ही राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई राजस्थान का व्यक्ति है तो उसको राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा। दूसरा, नियुक्ति से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श, यह परंपरा 1967 तक ही अपनाएगी। इसका कारण यह था कि 1967 तक केंद्र और राज्यों में एक ही दल की यानी कांग्रेस की सरकारें थी, इसलिए केंद्र के द्वारा अपने दल के मुख्यमंत्रियों से राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व चर्चा की जाती थी। लेकिन 1967 में परिवर्तन आया भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में और राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनने लग गई, इसलिए जहां जहां गैर कांग्रेसी सरकारें रही वहां पर मुख्यमंत्री से परामर्श नहीं लिया गया। इसलिए कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री से जो परामर्श की परंपरा थी वो 1967 तक ही निभाई गई, उसके पश्चात नहीं। पदावधि यानी कि उसका कार्यकाल कितना होगा, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष किंतु अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक पद पर रहेगा, अनुच्छेद 155(3). अनुच्छेद 156(3) यह कहता है कि राज्यपाल जिस तिथि को पद ग्रहण करता है उस तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा, लेकिन साथ ही ये बात भी है कि जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक अपने पद पर रहेगा। मान लीजिए कि 5 वर्ष भी पूरे हो गए और उसके स्थान पर किसी नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं की गई है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो व्यक्ति हट जाएगा, वो बना रहेगा, तब तक बना रहेगा जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ जाता, भले इसके लिए कितना ही समय क्यों नहीं निकल जाता। 5 वर्ष की समाप्ति के पश्चात यदि पुनर्नियुक्ति नहीं होती है तो प्रतिदिन के हिसाब से वेतन लेगा, यानी कि 5 वर्ष उसके पूर्ण हो गए और अब उसको कहीं पर भी दोबारा नियुक्त नहीं किया गया, ना ही तो उसी राज्य में और ना किसी अन्य राज्य में उसको राज्यपाल बनाया गया, लेकिन चूंकि किसी नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई है इसलिए वो अपने पद पर रहेगा और जितने दिन भी रहेगा वो प्रतिदिन के हिसाब से वेतन प्राप्त करेगा। जो उसका वेतन है उसको प्रतिदिन के हिसाब से डिवाइड कर लिया जाएगा कि 30 दिन में इतना वेतन होता है, प्रतिदिन का इतना होता है, जितने दिन वो रहेगा उतने दिनों का वेतन उसको प्राप्त होगा। जब तक उत्तराधिकारी नहीं आ जाता तब तक पद पर रहेगा, चाहे 1 महीना बीत जाए चाहे 1 साल बीत जाए, जितना भी समय रहेगा वो प्रतिदिन के हिसाब से वेतन प्राप्त करेगा। हरियाणा के बीएन चक्रवर्ती 3 वर्ष तक प्रतिदिन के हिसाब से पद पर बने रहे। हरियाणा में बीएन चक्रवर्ती को राज्यपाल नियुक्त किया गया राष्ट्रपति के द्वारा, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा हो गया, लेकिन दूसरा उनके स्थान पर किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया और ना ही बीएन चक्रवर्ती को दोबारा नियुक्त करने का वारंट राष्ट्रपति ने जारी किया। इसका मतलब कि 3 वर्ष तक वो उसके बावजूद भी बने रहे और 3 वर्ष तक प्रतिदिन के हिसाब से वेतन के आधार पर ही वो रहे थे। इन दिनों 30 दिन के हिसाब से उनको वेतन बांटा गया, हालांकि वेतन तो पूरा ही मिलता था लेकिन प्रतिदिन के हिसाब से प्राप्त होता था। दूसरी बात, पदावधि समाप्ति से पूर्व राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है, अनुच्छेद 156(2). अनुच्छेद 156(2) ये कहता है कि हालांकि उसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है लेकिन इस 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी वो कभी भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है, यानी कि अपने पद से हट सकता है। राष्ट्रपति समय से पूर्व कार्य मुक्त कर सकता है, इसी कारण कहा जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अनुच्छेद 156(1) यह कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी कभी भी अपने पद से हटा सकता है,
इसीलिए ये लिखा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेगा। हालांकि जो नियुक्ति का वारंट जारी किया जाता है वो 5 वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्रपति उसको कार्य मुक्त कर सकता है। शपथ ग्रहण संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 ये घोषणा करता है कि जिस व्यक्ति को जिस भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उसको पद की शपथ दिलाई जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल स्वरूप समझे कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है तो उसको राजस्थान उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो पद की शपथ ग्रहण करवाएगा। इसलिए अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल को संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ग्रहण करवाता है। वेतन उसको 3,50,000 प्रति माह मिलता है अनुच्छेद 158(3)। ये जो वेतन है जो 3,50,000 है ये 2017 से किया गया है। 2017 से पूर्व उसको 1,50,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता था और 1 जनवरी 2017 से राज्यपाल का वेतन बढ़ाकर 3,50,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। याद रखिएगा ये वेतन कर मुक्त होता है। दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो तो राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा राज्य राष्ट्रपति निर्धारित करे अनुच्छेद 158(3)। अनुच्छेद 158(3)(क) ये कहता है कि यदि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, ऐसा कई बात होता है कि किसी कारण से किसी राज्य का राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है, मान लीजिए उसने त्यागपत्र दे दिया, मान लीजिए राष्ट्रपति ने उसको हटा दिया, मान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में प्राय देखा गया है कि पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है। इसका मतलब एक समय में एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य के राज्यपाल की भूमिका निभा रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों ही राज्य जो है वो उसको वेतन देते, लेकिन कौन सा राज्य कितना वेतन देगा ये राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। प्राय दोनों राज्य आधा आधा वेतन उसको देते हैं, यानी कि 3,50,000 प्रति माह से ज़्यादा वेतन नहीं हो सकता, लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने दो राज्यों का राज्यपाल का कार्य किया है तो आधा आधा वेतन दोनों राज्यों के द्वारा दिया जाता है, प्राय ऐसा निर्धारित होता है और अंतिम शक्ति इस मामले में राष्ट्रपति के पास है। स्थानांतरण संविधान में कोई व्यवस्था नहीं लेकिन स्थानांतरण किए जाते रहे। हमारा संविधान ये नहीं कहता कि राष्ट्रपति राज्यपालों का स्थानांतरण करेगा, लेकिन फिर भी व्यवस्था नहीं होने के बावजूद भी राज्यों के राज्यपालों का स्थानांतरण एक राज्य से दूसरे राज्य में किया जाता रहा है और आज भी ये परंपराएं चल रही है। कार्य और शक्तियां, पहली है कार्यपालिका शक्तियां। चूंकि राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यपालक होता है, मुख्य कार्यपालिका होती है, इसलिए राज्यपाल में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती है और वो इनका प्रयोग करेगा। कैसे? मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 ये कहता है कि हर चुनाव के पश्चात आम चुनाव उसके पश्चात राज्यपाल संबंधित राज्य में जो बहुमत प्राप्त दल है उसके नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करे और उसके बाद मुख्यमंत्री जिन व्यक्तियों के मंत्री नियुक्त करने की सिफारिश राज्यपाल से करता है राज्यपाल उन मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। सबसे पहले राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, ऐसा अनुच्छेद 164 कहता है। राज्य के महाधिवक्ता यानी कि जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है वैसे ही राज्य में महाधिवक्ता होता है अनुच्छेद 165 के अनुसार, और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यानी कि राज्य का सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी होता है वो महाधिवक्ता होता है जो राज्य की तरफ से हाईकोर्ट या अन्य न्यायिक संस्थाओं में राज्य की पैरवी करता है। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है उसके अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राज्य सूची के विषयों पर कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। हमारी जो 3 सूचियां हैं सूची प्रणाली में, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची,
क्योंकि हम ये जानते हैं कि संघ सूची के ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाता है और राज्य सूची के ऊपर राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पर दोनों ही सरकारें। तो जो राज्य सूची है उस सूची पर राज्यों की अनन्य शक्ति है और इस सूची के विषयों पर राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। याद रखिएगा, राज्यपाल नाममात्र का मुखी है, वास्तविक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। इसलिए जो भी शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्तियां, उनका प्रयोग वास्तव में मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, लेकिन वो राज्यपाल के मार्फत इन शक्तियों का प्रयोग करती है। दूसरी है विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा का भाग है। एक बार अपन केंद्र की बात करें, जब संसद की बात आती है तो संसद के तीन अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। याद रखिएगा, संसद के सदन की बात आए तो संसद के दो ही सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और अगर संसद के अंग की बात आए तो अंग तीन है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक उसी प्रकार से राज्य में भी राज्यपाल को विधानमंडल का अंग बनाया गया है। यदि किसी राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी कि राज्य विधान परिषद और विधानसभा, तो राज्यपाल विधानमंडल का अंग होगा, यानी कि तीन अंग होंगे। और यदि किसी राज्य में एक सदनीय विधानमंडल यानी विधान परिषद नहीं है और केवल विधानसभा है, तो राज्यपाल और विधानसभा इन दो से मिलकर विधानमंडल का निर्माण होगा। इसलिए अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल भी विधानसभा का अंग होता है, क्योंकि उसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता। विधानसभा का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना और सदन को भंग करना, ये अधिकार राज्यपाल के। विधानसभा का सत्र अनुच्छेद 174 एक अनुसार राज्यपाल वर्ष में कम से कम दो सत्र आयोजित करता है। हमारा संविधान कहता है कि दो सत्रों के बीच में छह मास से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। हालांकि भारत में यह परंपरा है कि यहां पर सत्र दो की बजाय तीन ही आयोजित होते हैं। खैर, जब भी सत्र बुलाया जाता है विधानसभा का, राज्यपाल ही बुलाएगा, और यदि सत्र को समाप्त करना होगा तब सत्रावसान भी राज्यपाल ही करेगा। याद रखिएगा, सत्र को बीच में कुछ समय के लिए स्थगित करना हो तो विधानसभा का अध्यक्ष करेगा, और सत्र को पूरी तरह से समाप्त करना हो तो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 174 दो ये कहता है। सदन को भंग करना, अनुच्छेद 174 तीन के अनुसार यदि सदन का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो सदन को भंग करेगा, और यदि कार्यकाल समाप्ति से पूर्व भी भंग करना पड़े तो मुख्यमंत्री यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल समय से पूर्व भी विधानसभा को भंग कर सकता है, ऐसा अनुच्छेद 173 कहता है। विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। यदि उस राज्य में एंग्लो इंडियन समुदाय की जनसंख्या है तो एक एंग्लो इंडियन समुदाय का स्थान विधानसभा में सुरक्षित माना जाता है। यदि किसी प्रकार से विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो राज्यपाल ऐसी स्थिति में एंग्लो इंडियन समुदाय को मनोनीत करता है, एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। याद रखिएगा, राजस्थान में एंग्लो इंडियन समुदाय की जनसंख्या उस अनुपात में नहीं होने के कारण से राजस्थान में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत नहीं किया जाता है। विधान परिषद में छठे भाग के बराबर सदस्यों को मनोनयन कर सकता है। ये उन राज्यों के संदर्भ में है जहाँ पर दो सदनीय विधानमंडल है, यानी कि विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। वर्तमान में आज की डेट की बात करें तो छह राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। पहले सात राज्यों में हुआ करता था, जम्मू कश्मीर में भी द्विसदनीय विधानमंडल था, लेकिन हम ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, अब वहाँ पर दो केंद्र शासित क्षेत्र बना दिए गए। इसलिए वर्तमान में जो भारत में 28 राज्य हैं जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि जम्मू कश्मीर समेत 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, अब 28 राज्य रह गए। जो 28 राज्य हैं इनमें छह राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल है, जहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल है यानी कि विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है, वहाँ पर राज्यपाल को यह अधिकार है कि विधान परिषद की सदस्य संख्या के 1/6 भाग के बराबर वह सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। यह मनोनयन साहित्य,
कला, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्तियों में से किया जाता है। जहां पर विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, वहां पर राज्यपाल ऐसे सदस्यों का मनोनयन नहीं करता है। प्रथम अधिवेशन को संबोधन करना और विधानसभा को संदेश भेजना। अनुच्छेद 175 एक के अनुसार जब भी वर्ष का प्रथम अधिवेशन होगा उसको राज्यपाल संबोधित करेगा और साथ ही समय समय पर जब भी किसी बात के लिए आवश्यकता हो तो विधानसभा को संदेश भी भेज सकता है। कोई कार्यवाही के लिए, किसी कार्य के लिए भी कह सकता है। विधेयक पर हस्ताक्षर, राज्यपाल के हस्ताक्षर होने से ही विधेयक अधिनियम बनता है। जब भी राज्यपाल के पास विधानसभा से पारित कोई विधेयक आता है तो वो उस पर हस्ताक्षर करता है। हालांकि वो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगर पुनर्विचार के पश्चात दोबारा उसके पास आता है तो उसको हस्ताक्षर करने होते हैं। धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अनुच्छेद 200 यह कहता है कि धन विधेयक को छोड़कर कोई भी विधेयक उसके पास हस्ताक्षर के लिए आता है तो वह एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन अगर पुनर्विचार के पश्चात पुनः आता है तो उसको हस्ताक्षर करने होंगे। धन विधेयक को वो कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। अगर धन विधेयक उसके पास आता है तो उसको हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही प्रस्तुत, राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में धन विधेयक रखा जाता है। अनुच्छेद 207 एक ये घोषणा करता है, बिना राज्यपाल की अनुमति के धन विधेयक भी रखा नहीं जा सकता। अध्यादेश जारी करना, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 ये कहता है कि जब विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और कोई जरूरी परिस्थिति आ गई हो और कोई कानून बनाया जाना आवश्यक हो तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अध्यादेश का मतलब एक प्रकार का कानून ही होता है और उसकी शक्ति कानून के मुताबिक ही होती है। राज्य सूची के विषय पर विधानमंडल के अधिवेशन में न होने पर अध्यादेश जारी करता है, यानी कि राज्यपाल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी करेगा जो राज्य सूची में बतलाए गए हैं। चूँकि राज्य सूची में राज्यों के विषय गिने जाते हैं, इसलिए उन विषयों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी होता है, यानी कि अध्यादेश जो जारी किया गया एक बार में उसकी अवधि 6 माह की होगी। 6 माह की समाप्ति से पूर्व विधानमंडल का सत्र प्रारंभ हो जाए तो 6 सप्ताह के अंदर विधानमंडल का अनुमोदन जरूरी, वरना 6 सप्ताह बाद निष्प्रभावी। इसको समझिएगा कि जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसकी अवधि 6 माह की होती है और इस दौरान, इस 6 माह के बीच में जब कभी भी विधानसभा का अधिवेशन प्रारंभ हो जाए, मान लीजिए कि अध्यादेश जारी करने के 2 महीने बाद ही विधानसभा का अधिवेशन जारी प्रारंभ हो गया, तब जिस तिथि को प्रारंभ हुआ है उस तिथि से 6 सप्ताह तक ही, उस तिथि से 6 सप्ताह तक ही अध्यादेश प्रभावी रहेगा। यदि इस 6 सप्ताह में विधानसभा उसका अनुमोदन कर देती है तो वो कानून बन जाएगा, और यदि अनुमोदन नहीं करती है तो 6 सप्ताह पश्चात स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ध्यान से दोबारा सुन लीजिए, अध्यादेश 6 माह के लिए जारी किया जाता है, 6 माह की अवधि समाप्त होने से पहले जब भी विधानसभा का अधिवेशन प्रारंभ हो जाए तो जिस तिथि को अधिवेशन प्रारंभ होता है उस तिथि से 6 सप्ताह तक अध्यादेश प्रभावी होता है। 6 सप्ताह में यदि विधानसभा उसका अनुमोदन कर लेती है तो वो कानून बन जाता है, और अनुमोदन नहीं करती है तो 6 सप्ताह पश्चात वो समाप्त हो जाता है। वित्तीय अधिकार, धन विधेयक का प्रस्तुतिकरण राज्यपाल की स्वीकृति से, अभी अपन ने बात की थी। अनुच्छेद 207 एक के अनुसार राज्य की विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल की स्वीकृति लेनी पड़ती है। जब राज्यपाल की स्वीकृति मिल जाती है उसी के बाद धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्य की आकस्मिक निधि से वे राज्यपाल की अनुमति से ही, अनुच्छेद 267(2). अनुच्छेद 267(2) ये कहता है कि अगर कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति आ गई है कि आकस्मिक निधि से धन व्यय करने की आवश्यकता हो तो राज्यपाल की अनुमति से धन व्यय किया जा सकता है, और उसके पश्चात जब भी विधानसभा प्रारंभ हो तो विधानसभा से उसका अनुमोदन करवाया जाना आवश्यक होता है। बिना विधानसभा के अनुमोदन के जो आकस्मिक निधि से खर्च भी किया गया वो मान्य नहीं होता है।
वित्त मंत्री के माध्यम से बजट प्रस्तुत अनुच्छेद 202(1)। याद रखिएगा, कई बार यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो बजट का उल्लेख राज्य के संबंध में 202 में, अनुच्छेद 202(1) वित्त मंत्री के माध्यम से बजट का प्रस्तुतिकरण जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। हालांकि राज्यपाल प्रस्तुत नहीं करता बल्कि वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करता है, लेकिन राज्यपाल के नाम से करता है। न्यायिक अधिकार, उच्च न्यायालय से परामर्श से जिला व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति, अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 के अनुसार राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उनका स्थानांतरण करता है और उनकी पदोन्नति भी करता है। राज्य सूची के विषयों तक समाधान का अधिकार, अनुच्छेद 161। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को विवेकाधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी सजा याफ्ता व्यक्ति की सजा कम कर सकता है, पूर्णतया माफ भी कर सकता है, जिसको क्षमादान का अधिकार कहते हैं, ये क्षमादान का अधिकार राज्यपाल को भी प्राप्त है अनुच्छेद 161 के तहत। लेकिन राज्यपाल केवल राज्य सूची के विषयों तक ही समाधान का अधिकार रखता है। विवेकाधिकार, अनुच्छेद 163(2), ये जो शक्ति है वो राष्ट्रपति से इतर है, यानी कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता विवेकाधिकार की। ये शक्तियाँ मुख्यमंत्री के, राज्यपाल के पास ही है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, हालांकि साधारण शब्दों में भी राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन विशेष परिस्थिति ऐसी हो सकती है अगर विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। अगर किसी राज्य की विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, तब राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर उसको बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दल के सदस्य को। मंत्रिपरिषद को भंग करना, यानी कि विशेष परिस्थितियों में अपने विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल समय से पूर्व मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। चार परिस्थितियाँ हैं जब वह मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। पहली, जब मंत्रिपरिषद का विधानसभा में बहुमत न रहे। अगर राज्यपाल को यह लगे कि वर्तमान मंत्रिपरिषद अपना बहुमत खो चुकी है, विधानसभा में उसके पास बहुमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है या मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव के बाद भी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र ना दे। अगर किसी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि सरकार का जाना, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो मुख्यमंत्री को संपूर्ण मंत्रिपरिषद के साथ त्यागपत्र देना होता है। मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया उसके बावजूद भी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र नहीं दे, तब राज्यपाल को यह अधिकार है कि ऐसी परिस्थिति में वह मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। तीसरा, मंत्रिपरिषद संविधान के प्रस्तावों के अनुसार काम ना करे या केंद्र राज्य संघर्ष होने की स्थिति आ जाए। यह भी विशेष परिस्थिति है कि अगर मंत्रिपरिषद संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, संविधान में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, उनका उल्लंघन कर रही है, या राज्य के मंत्रिपरिषद के कार्यों के कारण से केंद्र और राज्य के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तब भी राज्यपाल को अधिकार है कि वो अपनी विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। और चौथा, जब स्वतंत्र अभिकरण मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार में लिप्त पाए, यानी कि कोई ऐसी स्वतंत्र एजेंसी मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध कर दे, तो मुख्यमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री त्यागपत्र नहीं देता है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है, भंग कर सकता है। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, हालांकि राज्यपाल विधानसभा का अधिवेशन मुख्यमंत्री के परामर्श से बुलाता है, लेकिन असाधारण परिस्थिति में बिना मुख्यमंत्री के सलाह के भी विशेष अधिवेशन राज्यपाल के द्वारा बुलाया जा सकता है। असाधारण परिस्थिति, यानी ऐसी परिस्थिति जिसमें विधानसभा का अधिवेशन बुलाया जाना आवश्यक हो लेकिन मुख्यमंत्री अधिवेशन नहीं बुला रहा हो, तब राज्यपाल भी बिना मुख्यमंत्री के सलाह के भी राज्य विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। ये अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। विधानसभा भंग करना, विशेष परिस्थिति में बिना मुख्यमंत्री के सलाह के भी विधानसभा भंग कर सकता है। हालांकि ये नियम है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही समय से पूर्व विधानसभा भंग करेगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती है। ऐसी स्थिति में, विशेष परिस्थितियों में, राज्यपाल बिना मुख्यमंत्री की सलाह के भी राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। मुख्यमंत्री पर अभियोजन की अनुमति, कार्यरत
या भूतपूर्व मुख्यमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार या किसी षड्यंत्र का अपराध कार्य संलग्न हो। यदि ऐसा लगे या ऐसा स्पष्ट हो जाए कि मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री या भूतपूर्व मुख्यमंत्री यदि भ्रष्टाचार या किसी षड्यंत्र में लिप्त है, संलग्न है, तो ऐसी स्थिति में भी मुख्यमंत्री के विरुद्ध वो अभियोजन की यानी कि मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान कर सकता है। एक और बात करेंगे अपन, राज्यपाल के संबंध में सरकारी आयोग की सिफारिशें। 24 मार्च 1983 को न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों के मामले में एक आयोग की स्थापना की गई थी। ये केंद्र राज्य संबंध जो आयोग था, यानी कि सरकारी आयोग के नाम से जाना जाता है, इस सरकारी आयोग ने राज्यपाल के संबंध में कुछ सिफारिशें की थी ताकि केंद्र राज्य संबंधों में सुधार लाया जा सके। क्या क्या सिफारिशें की थी? कि राज्य के बाहर का व्यक्ति हो तथा राज्य की राजनीति में रुचि नहीं रखता हो, यानी कि जिस राज्य में उसको राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है वो उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, राज्य से बाहर का हो। यानी कि यदि राज्य राजस्थान में किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राजस्थान से बाहर के व्यक्ति को राजस्थान में राज्यपाल नियुक्त किया जाए और राजस्थान की राजनीति में उसकी कोई रुचि नहीं हो, नियुक्ति से पूर्व सक्रिय राजनीति में नहीं हो, यानी कि जब उसको नियुक्त किया जाए तो वो राजनीति में नहीं होना चाहिए, सक्रिय राजनीति में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हालांकि वर्तमान में ऐसे व्यक्तियों को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है जो सक्रिय राजनीति में होते हैं। मुख्यमंत्री से प्रभावी सलाह, यानी कि जब भी राज्यपाल नियुक्त किया जाए तो मुख्यमंत्री से सलाह अवश्य ली जाए और मुख्यमंत्री जो राय दे उसका पालन किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। राज्यपाल केंद्र में सत्तारूढ़ दल का सदस्य ना हो, हालांकि सरकारी आयोग ने यह कहा था कि जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल है उसका सदस्य राज्यपाल नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कि जैसे अभी वर्तमान में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी के जो चुनिंदा सक्रिय राजनीतिज्ञ होते हैं उन्हीं को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, यानी सरकारी आयोग की खुली उल्लंघना हो रही, ये आयोग ने सिफारिशें की थी। राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर भी राज्यपाल को वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था की कोशिश करनी चाहिए। प्रायः देखा गया है कि यदि किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाती है ऐसी स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, लेकिन सरकारी आयोग ने यह कहा कि यदि किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो गई है तो राज्यपाल को कोशिश करनी चाहिए कि राष्ट्रपति के शासन लागू न किया जाकर यदि कोई अन्य दल सरकार का निर्माण कर सकता है तो पहले उसको मौका दिया जाना चाहिए, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नीति संबंधी प्रश्न पर सरकार के गिरने पर शीघ्र चुनाव हो सकने की स्थिति में पुराने मंत्रिमंडल को कार्यकारी सरकार के रूप में मान्यता प्रदान करना, यानी कि यदि किसी मुद्दे पर सरकार का पतन हो गया और किसी कारण से हाल में नया चुनाव नहीं करवाया जा सकता तो प्राय राज्यपाल उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारी आयोग ने कहा यदि नीति संबंधी प्रश्न पर सरकार गिर जाती है और चुनाव नहीं हो पाते हैं तब उसी सरकार को तब तक पद पर बने रहने के लिए कहा जाना चाहिए जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता। सरकार के विश्वास खोने पर सबसे बड़े विरोधी दल को बहुमत साबित करने का अवसर देना, यदि सरकार गिर गई है, सरकार ने अपना विश्वास खो दिया, सरकार ने त्यागपत्र दे दिया, तो राज्यपाल को कोशिश करनी चाहिए कि दूसरा कोई बड़ा दल है उसको मौका दे कि वो सरकार का निर्माण करे। अगर वो भी सरकार का निर्माण नहीं कर पाता है तब नए चुनाव की घोषणा की जा सकती है, लेकिन प्राय इन बातों की अवहेलना होती रही है और इन सिफारिशों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। तो यह है राज्यपाल। आशा है आपको सारी बातें समझ में आई होगी। फिर भी कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इस प्रकार के उपयोगी वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। ये समस्त वीडियोस उन सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।